अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी की भतीजी गीता लाहिड़ी तथा जिला कारागार के जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने उनके शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में जिला कारागार के जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने बताया कि 19 दिसंबर को ही जिला कारागार में अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी तथा आज उनका बलिदान दिवस है। उन्होंने कहा, सुबह 5:30 बजे से ही माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई है तथा उसके बाद से यहां पर जनपद के सभी लोग आकर माल्यार्पण कर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कहा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की वजह से ही हम लोग आजाद हैं। वहीं इस संबंध में अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी की भतीजी गीता लाहिड़ी ने बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस पर उनके शहीद स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी हूं तथा यह मेरा सौभाग्य है कि बलिदान दिवस पर उनके शहीद स्मारक पर यहां उपस्थित हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के जेलर प्रेम सागर शुक्ला और अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी की भतीजी गीता लाहिड़ी ने कहा, अमर रहे बिस्मिल जी का ये बलिदान, याद रहेगा हिंदुस्तान। बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे सामाजिक विकास समिति का अध्यक्ष सैयद नदीम अली के सभी पदाधिकारी सदस्यगण परिवार, आज इस शहादत दिवस 19 दिसंबर को हम लोग गोरखपुर पुरानी जेल में अशफाकुल्ला खान शहीद, अमर शहीद सोनी ठाकुर सोनी सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जी के शहादत दिवस पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये अमर सपूत, इनके पूरे माता पिता और पूरे परिवार को हम आज श्रद्धांजलि देते हैं और नमन और सलाम करते हैं कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने भारत माता के लिए अपना शरीर बलिदान कर दिया, हम सब के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और अपने परिवार की चिंता किए बिना हम सभी भारतवासियों की चिंता करते हुए अपनी आहुति दे दी। हम ऐसे सपूतों को, ऐसे अमर शहीदों को सत सत नमन और प्रणाम करते हैं और अपने हृदय के अंतरात्मा से इनको श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं कि हर माता पिता ऐसे पुत्र को जन्म दे जो भारत अपने माता अपने देश के ऊपर जो है अपने जान को निछावर करने का काम करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज 19 दिसंबर है, आज ही के दिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को जिला कारागार गोरखपुर में फांसी दी गई थी। आज उनका बलिदान दिवस है। सुबह 5:30 बजे से ही सर्वप्रथम हम लोगों ने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद से ही यहाँ लगातार मेला लगा हुआ है, लोग अमर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लगातार आ रहे हैं।
कहना चाहेंगे आज के दिन पे लोग कैसे क्या? आज का दिन लोगों को प्रेरणा प्रस्त होना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्हीं की बदौलत एक स्वतंत्र हिंदुस्तान में हम लोग सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र भारत के हम नागरिक हैं। तो जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, देश सेवा का जज्बा रखते हुए अगर सब कोई एक प्रण लें कि हम देश की सेवा में निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो ये देश के लिए अच्छा होगा। मृत्यु दिवस में आज हम लोगों ने सबने मिलके इनको श्रद्धांजलि दी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा सौभाग्य हुआ है कि उन्होंने मन से, दिल से उनको श्रद्धांजलि दी।